हाय राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे तुरई की मसालेदार सब्जी। इसके लिए हम आधा केजी तुरई ली हूँ और इसको हम अच्छी तरह से ऊपरी परत को निकाल देंगे छीलकर। इसी तरह से हम सारे तुरई को छील लेंगे और दोनों तरफ से काट लेंगे। देखिए, हम सारी तुरई को छील कर दोनों तरफ काट कर धो ली हूँ। अब इसको हम काट लेंगे। इस तरह से दो दो भाग में काट लेंगे। देखिए, हम सारे तुरई को काट लिए हैं दो भागों में। और प्याज जो बारीक काट ली हूँ और एक टमाटर, इसे भी बारीक काट ली हूँ। अब चलते हैं कढ़ाई की ओर। कढ़ाई देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल भी पक गया। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। अभी सबको अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालकर हम कटा हुआ प्याज को डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे। देखिए, प्याज भुंज आ गया है, लाल हो गया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक। इसको अच्छी तरह से भूंज लेना है। अब इसमें डालेंगे धनिया, दो छोटा चम्मच, एक चम्मच लाल तीखी मिर्च पाउडर और एक चम्मच जीरा गोलकी पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे। अब ये कटा हुआ टमाटर, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम भूंज लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला सटे ना। अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको एक मिनट के लिए झाँक कर हम पका लेंगे। अब एक मिनट हो गया है। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुंजा गया है। अब इसमें हम तुरई डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको हम मीडियम आंच में झाक झाक कर पका लेंगे। अब 5-6 मिनट हो गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। यह देखिए सब्जी, ये अपना पानी छोड़ने लगा है। तुरई में जो पानी रहता है वो अपना पानी छोड़ने लगा है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, घाट देंगे। फिर से इसको हम झाँक देंगे। झाँक झाँक कर इसके मीडियम आंच में पका लेना है। बीच बीच में घाटते रहना है ताकि ये सटे ना। ये देखिए, सब्जी तैयार हो गया है बनके। ये अच्छी तरह से पक गया है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला दे देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं।